पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के फोर टास्क की तरह ऐश सारी लाइट फोर को डिफीट कर रहा होता है, जहां पर वो ऑलरेडी अगाथा और लोरेल को डिफीट कर चुका होता है। फिर वो थर्ड लाइट फोर मेंबर ब्रूनो को भी डिफीट कर देता है। वो फोर्थ एंट्रेंस में जाता है जहां पर उसको लैंस दिखता है। बैटल स्टार्ट होती है और लैंस अपने पहले पोकेमॉन की तरह चार्जार्ड को भेजता है, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। अब आगे ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब ये देखकर काफी शॉक रह जाते हैं कि लैंस ने अपने सबसे पहले पोकेमॉन को ही मेगा इवॉल्व कर दिया है, जबकि बाकी सारी लाइट फोर ने अपने लास्ट पोकेमॉन यानी कि एस पोकेमॉन के ऊपर फेनोमेना यूज किया था। लैंस बोलता है अगर ये तुमको एक काफी बड़ा सरप्राइज लग रहा है तो वेट करो, इससे भी कहीं ज्यादा बड़े सरप्राइजेस बाकी हैं। ऐसे ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप को सबसे टफ लीग नहीं कहा जाता, ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट ऐश को अपने पिकाचू पे पूरा भरोसा था। लैंस स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोअर के साथ, जिसको पिकाचू डॉज कर लेता है। फिर पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल का, वहीं पर मेगा चार्जर्ड एक्स यूज करता है ड्रैगन क्लो अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर पिकाचू का अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते चार्जर्ड पीछे चले जाता है। लैंस बोलता है कि अच्छा, इससे पता चल रहा है कि तुमने अपने पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छा ट्रेन किया हुआ है। अब बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लैंस अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है। ऐश अपने पिकाचू को एजिलिटी अटैक यूज करके इस अटैक को डॉज करने बोलता है, और पिकाचू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके चलते पिकाचू इस अटैक को डॉज कर लेता है। पर तभी पिकाचू के ऊपर एक फ्लेम थ्रोअर लगता है। फायर ब्लास्ट के साथ ही साथ मेगा चार्जर्ड एक्स ने फ्लेम थ्रोअर भी यूज कर दिया था, जो कि पिकाचू पर लग गया था। लैंस बोलता है कि मैं बाकी ट्रेनर से काफी ज्यादा अलग हूँ, मैं हर एक अटैक के लिए एक बैकअप जरूर रखता हूँ, तो ऐसा काफी कम बार होगा कि तुम मेरे अटैक को डॉज करो। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर मेगा चार्जर्ड एक्स यूज करता है ड्रैगन रेज अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है, बट इससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। दोनों ही पोकेमॉन बिल्कुल टक्कर के लग रहे होते हैं। लैंस बोलता है कि वक्त आ चुका है हमारे सीक्रेट मूव को रिवील करने का। लैंस अपने चार्जर्ड को सोलार बीम अटैक यूज करने बोलता है। ये सुनकर ऐश, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता है कि क्या सोलार बीम, ये तो एक ग्रास टाइप अटैक है और चार्जर्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है, ये बिल्कुल अपोजिट टाइपिंग है, तो ये कैसे पॉसिबल है। लैंस बोलता है कि मेरा चार्जर्ड सोलार बीम सीख सकता है और यही चीज इसको स्पेशल बनाती है। मेगा चार्जर्ड एक्स अपने सोलार बीम को चार्ज कर रहा होता है। अब यही टाइम था ऐश के पास चार्जर्ड को खत्म करने का। ऐश अपने पिकाचू को बोलता है अपने फुल पावर से थंडर अटैक का यूज करो, और क्योंकि चार्जर्ड सोलार बीम अटैक चार्ज कर रहा था तो यह अटैक चार्जर्ड के ऊपर लग जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। मेगा चार्जर्ड एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, पर तभी वो सोलार बीम को लॉन्च कर देता है, जो कि पिकाचू पर लग जाती है। इससे पिकाचू को भी काफी डैमेज पड़ता है, बट वो वापस से खड़ा हो जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सब ये देखकर काफी शॉक रह जाते हैं और वो पिकाचू को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसने अभी तक काफी सारे लाइट फोर लेवल के पोकेमॉन्स के काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स को सहा है। बट अभी भी पिकाचू हार मानने को तैयार नहीं है। वो सामने वाले ट्रेनर को डिफीट करना चाहता है और ऐश को जिताना चाहता है। लैंस बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा पिकाचू काफी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे पोकेमॉन्स के सामने वो नहीं टिकने वाला। चलो चार्जर्ड, इस बैटल को खत्म करते हैं। लैंस अपने मेगा चार्जर्ड एक्स को वापस से सोलार बीम अटैक यूज करने बोलता है। इस बार ऐश बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वो अपने पिकाचू को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि थंडर यूज करने बोल देता है। चार्जर्ड अभी भी चार्ज कर रहा था और ये थंडर जाकर चार्जर्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जर्ड को अगेन काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि जल्दी पिकाचू वोल्ट टैकल का यूज करो, इससे पहले कि वो सोलार बीम अटैक का यूज कर दे। पिकाचू अपने फुल स्पीड से वोल्ट टैकल अटैक यूज करने जाता है, पर जैसे ही वो मेगा चार्जर्ड एक्स के पास पहुंचता है, मेगा चार्जर्ड एक्स सोलार बीम को लॉन्च कर देता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू जल्दी से मेगा चार्जर्ड एक्स के लेग को एम करो। पिकाचू बिल्कुल वैसे ही करता है, जिसके चलते वो सोलार बीम को डॉज भी कर लेता है और साथ में मेगा चार्जर्ड एक्स के पैर पे अटैक कर देता है, जिससे मेगा चार्जर्ड एक्स का पैर इंजर्ड हो जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, वो सही से खड़े नहीं हो पा रहा था। मौका देखकर पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करता है, जिससे मेगा चार्जर्ड एक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पे गिर के अपने बेस फॉर्म यानी कि चार्जर्ड के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि चार्जर्ड हार चुका था। लैंस बोलता है कि ऑसम, तुम्हारा पिकाचू तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट मेरे बाकी दो पोकेमॉन्स काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। आज तक कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं था जो कि फोर्थ इलाइट फोर यानी कि मेरे तक पहुंच पाया हो, तुम सबसे पहले ट्रेनर हो और मैं कैंटो इलाइट फोर की इज्जत नहीं डूबने देना चाहता, ये अब तक का सबसे स्ट्रांग इलाइट फोर है, तुम्हें हराकर हम अपनी स्ट्रिक कंटिन्यू करेंगे। ऐश बोलता है कि मैं भी यहाँ पर जीतने ही आया हूँ और जीत कर जाऊंगा, मेरा पिकाचू काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे उसके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर तोड़ेगा। लैंस बोलता है कि ठीक है, देखते हैं। वो अपने चार्जर्ड को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेता है और अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालता है, जिसमें से निकलता है शाइनी गैराडोस, एक और काफी ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन। ऐश गैराडोस को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, पर पिकाचू बीच रास्ते में ही रुक जाता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि पिकाचू को क्या हुआ, बट तभी ब्रॉक नोटिस करता है कि लैंस एक और कीस्टोन को निकाल रहा है, बट ये किस काम का है। लैंस अपने कीस्टोन को निकाल कर अपने शाइनी गैराडोस को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा शाइनी गैराडोस में, जिसको देखकर ऐश, मिस्ट्री, सरीना और ब्रॉक सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं।
क्योंकि लैंस ने ऑलरेडी एक फेनोमिना यूज कर लिया था और पोकेमोन बैटल रूल्स के हिसाब से एक ट्रेनर एक बैटल में सिर्फ एक फेनोमिना यूज कर सकता है। बट अब यह लैंस का सेकंड फेनोमिना था जिसके अकॉर्डिंग लैंस ने चीटिंग करी है। लैंस बोलता है कि यही तो सरप्राइज है, सारी लाइट फॉर्म में अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मेरे पास सारे फुली इवॉल्व काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और मेरे सारे पोकेमोन के पास फेनोमिना है जो कि मुझे और कैंटो लाइट फॉर्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐश ये सुनकर काफी शॉक रह जाता है। लैंस बोलता है कि क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? ऐश बोलता है कि बट ये तो चीटिंग है। लैंस बोलता है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि तुमने पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स में चार फेनोमिना का यूज किया था और वो भी चीटिंग थी। ऐश बोलता है कि नहीं, मुझे लियोन ने अलाउ किया था चार फेनोमिना यूज करने के लिए। लैंस बोलता है कि हाँ बिल्कुल उसी तरीके से पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप कमिटी मेंबर्स ने मुझे अलाउ किया है तीन फेनोमिना यूज करने के लिए ताकि सामने वाले ट्रेनर की पोटेंशियल पता चल पाए। ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो पिकाचू की तरफ देखता है और पिकाचू काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो लैंस को डिफीट कर देगा, जिससे ऐश को मोटिवेशन मिलती है। वो इस बैटल को कंटिन्यू करता है और अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है। लैंस इसके काउंटर में अपने मेगा गैराडोस को वाटर गन अटैक यूज करने बोलता है, पर थंडर अटैक काफी स्ट्रांग था। वाटर गन से मिलने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो डायरेक्टली वाटर गन के साथ ही साथ गैराडोस के फेस पर चले जाता है और मेगा गैराडोस को एक काफी ज्यादा तेज थंडर अटैक लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि लैंस के तरफ से काफी बेकार मूव था, मेगा गैराडोस ऑलरेडी इलेक्ट्रिक टाइप से वीक है और वाटर गन के चलते नाइस ये थंडर की पावर बढ़ गई बट वो डायरेक्टली गैराडोस के ऊपर जाके लग गया। अब देखते हैं कि क्या गैराडोस उठ पाएगा। लैंस